Я вот тебе говорю. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। और एक बार फिर उसी लोकेशन के ऊपर आपका भाई पहुंच चुका है। और यहां पहुंचने का रीजन, तो दोस्तों जो सोच आपकी है वही सोच मेरी है। और मैं अगर यहां पे बार बार में आ रहा हूं तो उसका पीछे का रीजन वही है दोस्तों। लास्ट टाइम 3 बजे बाद में मैं और राजन भाई इस लोकेशन से निकले थे। हमारी जान हलक में आ गई थी। बहुत मुश्किलों से हम उस जंगल से वहाँ से बाहर निकले और इस लोकेशन पे आज इसलिए आया हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब से मैं यहाँ पे, यहाँ से राजन भाई और हम दोनों यहाँ से निकले, एक ही बात मेरे दिल और दिमाग में है कि इस लोकेशन को क्लियर करे बिना मैं मेरी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ कभी भी। और आज दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ। ये आपने अभी देखा होगा, ये कलश है जिसमें फुल सेफ्टी के साथ में जो हवन करा था मेरे गुरुदेव ने, उन्होंने एक ऐसी बबूत डाली है जिसके कारण वो अगर आज आत्मा मेरे पे अगर थोड़ी सी भी हावी हुई तो गुरुदेव ने बोला है कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ तेरे पास में आती है तो इस बबूत को तेरे को उसके ऊपर डाल देना है बस। तो दोस्तों आज देखते हैं कि यहाँ पे वो माँ और बच्चे की आत्मा हमें कोई चीज़ बता पाती है या नहीं बता पाती है। मुझे ये देखना है दोस्तों कि रियल के अंदर उस पेड़ के नीचे वो कब्र वास्तव में वहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम उस पेड़ के पास में पहुँचे थे तो वहाँ से हमें वो जिन नज़र आया था। और कहीं ना कहीं आप लोगों का यह कहना है कि जितेंद्र भैया ये दोनों माँ और बच्ची उस जिन के गिरफ्त में है, और 101% मैं भी दावे से कहता हूँ उस दोनों की आत्मा को तड़पा रही है ना, तो सिर्फ वो जिन की आत्मा है। और इस लोकेशन पर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधा निकलते हैं। आज देखते हैं कि वो बच्ची यहाँ पे मेरी मदद करती है या नहीं करती है, या वहाँ जाने के बाद में क्या वो जो माँ की आत्मा है वो नज़र आती है या नहीं आती। पूरा कैस सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देखना है कि यहाँ पे आज क्या होता है। चले राजन भाई। हाँ भैया, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखना भैया, जगह बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, आप भी अपने जेब के अंदर मैंने जो चीज़ दी है ना। हाँ भैया, उसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मेरे पास पड़ी है। दोस्तों यहाँ तक आना मेरे लिए हमेशा बहुत आसान रहा, मगर यहाँ से आगे जाने के बाद में जो स्थिति बनती है वो बहुत ज़्यादा भयावह है, दर्दनाक है। और ऐसा डर लगता है दोस्तों जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आ जाओ। एक बात नोट करी। हाँ। दो बार मेरे साथ आ चुका है यहाँ पे। हाँ भैया। एक बात नोट करी यहाँ पे कि जब भी आया ना वो लड़की मेरे सपने में जरूर आती है, मगर यहाँ अपने को नजर नहीं आई। हाँ भैया। नोटिस करा तूने? कभी नजर नहीं आई वो। और वो जो जिन जो मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ नजर आया था वो भी लास्ट टाइम, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मामला हो चुका है। यहाँ पे अपने साथ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा भी तेरे को लगे ना तो प्लीज मैंने जो रास्ता बताया ना तुझे, हाँ उस रास्ते से निकल जाना। तू मेरी परवाह मत करना बिल्कुल भी। नहीं भैया, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। राजन। हाँ भैया। कैमरा में नजर आ रहा है, देखिए और चलने लग गई। हवा देख, हवा देख। राजन ये वही पाउडर है जो यहाँ पे हमें पहले भी नजर आया था। ओ भैया, ये यहाँ पे कैसे आया? तूने देखा था ना मेरी वीडियो के अंदर? हाँ भैया, ये वही पाउडर है जिसका मतलब वो बच्ची आज सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पहले भी ये पाउडर नजर आया था उस बच्ची की आत्मा मुझे नजर आई थी। हाँ भैया,
नजर आगे आ, एक बार आगे आके दिखा दोस्तों, ये वही पावड़ा है जो हर बार यहाँ पे नजर आता था। राजन यार अचानक एकदम तेज हवा चलने के बाद में एकदम सुनसान हो गया देख। हाँ भैया, एक पत्ता भी नहीं रहा। चले। हाँ भैया, अचानक से इधर से आवाज आई, इधर से आवाज आई भैया, इधर से आवाज आई है। कौन है? कौन है? राजन इधर से आई थी ना? हाँ भैया, इधर से आई थी, इधर से आवाज आई थी। देखो आप जो भी हो सामने आओ, देखो हम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, हमें आपकी आवाज आई है, प्लीज आप सामने आओ हमारे, आप जो भी हो। राजन कोई भी नहीं है यार। भैया आवाज तो इधर से आई है यार। राजन तो पूरा ध्यान रखना भाई कैमरे की तरफ, भाई तेरा कोई भी चीज कैप्चर हो तो प्लीज वो कैप्चर जरूर करना। हाँ भैया, जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। भैया इसमें अपन ज्यादा आगे नहीं बढ़ फंस सकते, जगह बहुत भयानक है, आप देख सकते हो। राजन मैं उस पेड़ के नीचे जहाँ पे उसकी माँ जा जाके खड़ी होती है अक्सर। हाँ। और वो उसकी बेटी भी वहीं पे जाके खड़ी होती है, उस चीज़ को मैं खोदूंगा आज, खोद के देखूंगा कि वास्तव में अगर उसकी अस्थि होगी तो आज वहीं पे है ना उसका विसर्जन कर देंगे। आ जाओ सामने देख, कितना खतरनाक लग रहा है आज भैया, बहुत भयंकर। दोस्तों एक चीज बोलता हूँ मैं आपको, कोई भी चीज जब तक सामने नहीं आती है ना तब तक उसका डर है, वो कैसी है, क्या चाहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई चीज अगर सामने आएगी तो जरूर बात करेंगे, मगर एक अजीब सी बेचैनी होने लग गई यहाँ पे। ये क्या हुआ? राजन झटका लगा मेरे, बहुत भयंकर। भैया आगे बढ़ते ही झटका लगा एकदम से आपके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाहता ही नहीं है कि इस पावड़े को मैं आगे लेके जाऊं। ओह माय गॉड, रुक रुक रुक। गुरुदेव हमारी रक्षा करना। राजन मैंने गलती करी, ये गुरु जी की बबूत थी ना इस पावड़े पे, पहले से ही डाल देनी चाहिए थी मुझे। हाँ भैया, भैया आप बबूत छोड़ना मत बस। मैं बिल्कुल नहीं। हाँ क्या बेटा, आप हमारे आसपास मौजूद हो? देखो हम केवल यहाँ आपके लिए आए, आपकी माँ को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हमें आपकी कब्र का पूरा पता है, मगर आपकी माँ का कब्र अभी तक हमें पता नहीं है उस कब्र के बारे में, तो प्लीज हमारी मदद करो, हमारे सामने आओ बेटा। देखो हम बार बार में केवल आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्या हुआ, ये आवाज कैसी थी भैया? सामने 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 देख, सामने देख। ओके नजर आ रहा। हाँ भैया, राजन बच्ची नजर आ रही है। हाँ भैया, बाप रे राजन, देख चेहरा। राजन आ गया, आ गया, थोड़ा आगे आ गया, इसका चेहरा देख भैया, बहुत खतरनाक दिख रही है तो यार। देखो बेटा मैं आज आपसे साफ साफ कह देता हूँ, ये जो आपने मेरे को दिया है शायद हो सकता अपनी माँ के लिए दिया हो, मगर आप प्लीज हमें बार बार डराओ मत, हम यहाँ पे सिर्फ आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। अगर आपको मदद नहीं चाहिए तो मेरे सपने में क्यों आ रहे हो आप बार बार में? देखो बेटा मेरे गुरुदेव से ये बबूत लेके आया हूँ, अगर आपकी माँ की कब्र के बारे में हमें पता चलता है तो ये जैसे हम बबूत डालेंगे
आपको और आपकी माँ को दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। मुझे पता है आपका जीव आपकी माँ में है, और अगर आपकी माँ को मुक्ति मिलती है तो शायद हो सकता है आपको भी मुक्ति मिल जाए। तो प्लीज़ आपके हाथ जोड़ते हैं, मदद करो हमारी और आगे बढ़ो। हम इतना चाहते हैं कि आपकी माँ तक हमें पहुँचा दो, उसकी कब्र तक पहुँचा दो। क्या बेटा आप चाहते हो हम आगे आए? अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आगे बढ़ो और अपनी माँ तक हमें पहुँचा दो। आप नहीं चाहते हो हम चले जाएं यहाँ से? अगर आप चाहोगे कि हम चले जाएं यहाँ से तो हम वापस जाने के लिए तैयार हैं यहाँ से। और अगर आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ के आपकी माँ की मदद करें तो आप आगे बढ़ो और आपकी माँ तक लेके चलो हमें। खूब यो ये जा रही है भैया। राजन पास नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि ये धोखा दे रही है या अपनी मदद कर रही है। मैं कई बार धोखा खा चुका हूँ इस बच्ची की आत्मा के चक्कर में। हाँ भैया, लेकिन भैया उस दिन तो वो अलग ही थी यार। नहीं, ये वही है, ये जिन का प्रकोप है। हो सकता है ये जिन इससे अपने को आगे ले जाने के बाद में अपने साथ में कुछ भी हो जाए, इसलिए प्लीज अपने को बहुत संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा भैया। केयरफुली है, आगे हो बेटा। हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं राजन, एक बार बात करते हैं यार। हाँ, कुछ भी हो सकता है। देख, वो जिन है आगे कुछ भी कर सकता है, वो अपने साथ बात करे बिना अपन आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। कुछ भी कर सकता है भैया। बेटा क्या मेरी तरह आप देख सकते हो वापस एक बार? बेटा हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज एक बात हमारे को ये बता दो कि आगे हमारे लिए कोई खतरा है क्या? अगर आपको लगता है जो कोई खतरा है तो हम यहाँ से लौट जाएंगे वापस। मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ बार बार? मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप भी चाहते हो आपकी माँ की मुक्ति कराना और आपकी खुद की मुक्ति कराना। क्या आगे कोई खतरा है हमारे लिए? अगर नहीं है तो आगे बढ़ सकते हो आप, और अगर आपको लगता है कि खतरा है तो आप यहीं रुके रहो। भैया आगे जा रही हो, इसका मतलब खतरा नहीं है भाई, इसका मतलब खतरा नहीं है। राजन आ गया, भैया आवाज कैसी आ रही? ये आवाज कैसी है भैया? राजन ध्यान मत दे आवाज की तरफ, आवाजों पे ध्यान मत दे। यहाँ पे चारों तरफ से आवाज आ सकती है, यहाँ से किसी के भी रूप ले लेती है इसकी माँ जो है, वो किसी का भी रूप ले लेती है। हो सकता है वो जिन हो जो आवाज निकाल रहा हो। भैया वो दिखाई नहीं देगी। मत ध्यान दे भाई, मत ध्यान दे, देख मैं जानता हूँ यहाँ खतरा कितना है। आ गया आ गया आ गया आ गया। राजन देखना, अगर शोर अगर इसकी माँ की कब्र वहां पे उस पेड़ के पास में, तो वहीं जाके खड़ी होगी। देखना शोर, मैं कह रहा हूँ हर बार यहाँ जाके खड़ी हो जाती है ये देख। ओ, क्या कहा था मैंने भैया? हो गई, ध्यान मत दे, ध्यान मत दे, वो जिन है यहाँ पे, वो जिन है। मगर आज आ गया, आ गया, आ गया, डर मत तू, डर मत, आ गया। रुक, देखो मैं आपको चेतावनी देता हूँ,
ये मेरे गुरुदेव के मंत्रों से सिद्ध करा हुआ बबूत है। अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश करी तो तुम्हारी आत्मा यहाँ पे तड़पेगी। क्या तुम चाहती हो मैं मदद करूं तुम्हारी? और अगर तुम्हारी माँ की कब्र यहाँ पे है तो इस जगह को छोड़ दो। राजन 101% कह रहा हूँ, उसकी माँ की कब्र यहीं पे है। भाई वो क्या है नीचे देख, वो कुछ निशान बने हुए पेड़ के वहां पे। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो, चले जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। भाई जगह छोड़ दी राजन, जगह छोड़ दी राजन। बढ़ते हैं आज, खोदते हैं यार, आज खोदेंगे भाई। आज अपने पास में गुरुदेव की ये शक्ति भी है, ठीक है ना? हाँ भैया, लेकिन सेफ्टी से भैया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भैया। राजन 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 राजन, आवाज सुन, आवाज सुन, आवाज आवाज आवाज। ओ भैया जैसे आगे जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा कोई खतरा आ रहा है, ऐसा लग रहा। राजन आ गया, कोई आवाज आ रही है यार। राजन सामने देख, सामने देख, सामने देख। ओ ये क्या है? पूरा पापर है, उसकी माँ ही है, उसकी माँ है। ओ गुरु, ओ यार, वो देख उसकी माँ आ गई, उसकी माँ आ गई। वो देख, कह रहा हूँ ना यहाँ पे भंवर जाल है बहुत ज्यादा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भंवर जाल है भाई, इसलिए मैं चाह रहा था कि भैया। भाई 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 देख ले देख ले, मैंने क्या कहा था, अब मैं बताऊँ तेरे को, यहाँ पे जिन भी है। हाँ भैया, आस पास ये सब कुछ जिन कर रहा है, सब कुछ। ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है भैया। कुछ भी नहीं है, आज मेरी बात सुन, जो भी होगा मैं पास में जाके इसके बबूत छड़क दूंगा, अपने आप पीछे हट जाएगी। इस जगह को तो खोदूंगा, इसको मुक्ति दिला दूंगा। और एक बात और है राजन, मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मेरे पास जो गुरुदेव की शक्ति है, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हो, और वो तो जो जिन है यहाँ पे वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकता राजन। हाँ भैया, कुछ भी हो इस जगह को खोद के आज, और मैं यहाँ पे इसकी अस्थियां विसर्जन कर दूंगा, मैं आज यही भस्म कर दूंगा। देखो अगर तुम्हारी चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा तड़पे नहीं, तो पीछे हट जाओ यहाँ से, जगह छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, मैं फिर कह रहा हूं। जगह छोड़ दो, देखो फिर कह रहा हूं, जगह छोड़ दो। राजन पीछे हट रही है, पीछे हट रही है, मैं आज घबराऊंगा नहीं भाई। भैया ये गिराते हुए चलो भैया। भाई हाँ, गिरा दी मैंने यहाँ पे सब, ये गिराते हुए चलो आप, बबूत बबूत सब जगह गिराते हुए चलो, ताकि है ना अपना पीछे से कोई वार ना कर पाए। मैंने कहा था देख कुछ निशान बने हुए। ओ भैया ये क्या है? कब्र है भाई, ये यही है निशान है आज यहाँ पे। गुरुदेव अगर वास्तव में आप में शक्ति है तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि आज इसकी जो भी यहाँ पे अस्थियाँ है, जो भी इसका शरीर यहाँ पे है, वो सामने आए, ताकि मैं इसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकूँ। राजा आ गया, एक बार दिखा दे भाई, एक बार दिखा दे। ओ भैया देख, ये देखो, ये दिखा दे भाई, ये क्या है? ए गुरुदेव शक्ति देना मुझे। ओ भैया क्या हुआ? हाँ भाई कहीं वो
हो भैया क्या हुआ भैया क्या हो भाई हो भैया क्या हुआ भैया भैया हो भाई खून आ रहे हो खून दोस्तों जितेंद्र भैया को देखो क्या हुआ भैया 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 ओ दोस्तों देख सकते हो आप जितेंद्र भैया के मुंह से खून आ गया यहाँ पे जितेंद्र भैया ने खोदने की कोशिश की है और जितेंद्र भैया के मुंह से खून निकल चुके हैं आप देख सकते हो दोस्तों मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जितेंद्र भैया को बचाने के लिए ओ